स्वच्छता ही सेवा अभियान 2023 के तहत केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न विभाग के द्वारा अलग अलग शहरों में गांधी जयंती को लेकर श्रद्धांजलि स्वरूप स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसको लेकर 1 अक्टूबर रविवार को भागलपुर आयकर विभाग के द्वारा शहर के घंटाघर चौक पर स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां आयकर विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों के साथ लैंड्स क्लब एवं रोटरी क्लब के सदस्यों ने साफ सफाई की। इस दौरान इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी और समाज कर्मियों के अलावा आम लोगों ने भी स्वच्छता को लेकर घंटाघर समेत विभिन्न जगहों पर साफ सफाई में हिस्सा लेकर अपनी सहभागिता दी। वहीं कार्यक्रम में आयकर अधिकारी नितिन कुमार, रविदास कुमार, रविशंकर, संजीव कुमार सिन्हा, बद्री प्रसाद छापोलिका और विजय चौधरी समेत विभाग के कई अधिकारी कर्मचारी लैंड्स एवं रोटरी क्लब के सदस्य मौजूद रहे। बिहार पुलिस के लिए चल रही सिपाही भर्ती परीक्षा देकर घर लौटने के क्रम में दो युवक सड़क हादसे का शिकार हो गया, जिसमें एक युवक की गंभीर रूप से घायल होने के कारण मौत हो गई, जबकि दूसरे घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना पंजवारा के वैदाचक सड़क मार्ग की बताई जा रही है, जिसमें भागलपुर मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिकंदरपुर निवासी कार्तिक दास का 30 वर्षीय पुत्र अभिनव कुमार और अशोक कुमार दास का 22 वर्षीय पुत्र सौरभ कुमार भागलपुर लौटने के क्रम में सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। वहीं इस हादसे में घायल युवक अभिनव कुमार की मौत हो गई, जबकि सौरभ कुमार का चिकित्सकों द्वारा इलाज जारी है। भागलपुर में रविवार को सिकंदरपुर स्थित एक विवाह भवन में सोलंकी डिफेंस एकेडमी की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान ऑक्सीमेन ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन आनंद शुक्ला को भारत सरकार के द्वारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सदस्य बनाए जाने पर उन्हें भागलपुर सांसद अजय मंडल और डॉक्टर मृत्युंजय कुमार आजाद द्वारा सम्मानित किया गया। बता दें कि बीते दिनों आनंद शुक्ला को भारत सरकार के द्वारा बिहार FCI का सदस्य बनाया गया था, जिसको लेकर भागलपुर उनके सभी चाहने वालों में खुशी का माहौल देखा गया। कार्यक्रम में समाज सेवी विजय यादव, रंजीत सिंह सोलंकी, संजय सोलंकी, संगीता तिवारी समेत कई लोगों ने सम्मानित किया। वहीं इस दौरान सांसद अजय कुमार मंडल समेत अन्य समाज सेवियों ने कहा कि आनंद शुक्ला को भारत सरकार द्वारा बिहार भारतीय खाद्य निगम का सदस्य बनाना बिहार के साथ भागलपुर जिले के लिए सम्मान की बात है। साथ ही कहा कि आनंद शुक्ला इस क्षेत्र में बेहतर कार्य करेंगे, इसका हम सभी को भरोसा है। मौके पर कई वार्ड पार्षद, मुखिया और समाज सेवी के साथ काफी संख्या में शहरवासी मौजूद थे। बधाई भी देता हूँ, भारत सरकार ने दिन पर इतने बड़े कार्य के लिए अपना विश्वास दिए हैं, इस पर विश्वास किए हैं और हमें उम्मीद है भारतवासी भी सरकार के इस विश्वास पर खड़े उतरे और अनुभवी समाज के सेवी, समाज सेवी एक व्यक्ति है, समाज का सेवा अपने इस पद को पद के पास ही समाज की सेवा में अपना अहम भूमिका निभाएंगे। भवन सभागार में रविवार को भागलपुर राड़ी बांधव समिति का महाधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें राड़ी बांधव समाज के लोगों ने बढ़कर शिरकत की और महाधिवेशन में अपनी बात रखी। इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों एवं समाज के हित में समिति द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई और आने वाले दिनों में समाज के उत्थान के लिए किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा समिति के सदस्य और राड़ी समाज के लोगों के बीच रखी गई। मुख्य रूप से राड़ी बांधव समिति भागलपुर के नई कार्यकारिणी गठन और इसके विस्तार पर चर्चा करने के बाद समिति के नए पदाधिकारियों के नाम की घोषणा की गई। महाधिवेशन में दिलीप घोष को राड़ी बांधव समिति भागलपुर का अध्यक्ष और प्रणव कुमार दास को महामंत्री चुना गया, जबकि नई कार्यकारिणी में जयदेव मजुमदार को कोषाध्यक्ष और सुमिता घोष, मृत्युंजय सिन्हा एवं दिलीप दास को उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा अंजलि दास, अवधेश कुमार सिन्हा और अनंत घोष को संयुक्त सचिव बनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सोमेन कुमार घोष ने किया, जबकि मंच संचालन समिति के उपाध्यक्ष अभय घोष सोनू और पूर्व महामंत्री देवव्रत घोष ने किया। वहीं इस दौरान लंबे समय के बाद मिलने पर कार्यक्रम में मौजूद समाज के लोगों ने कई विषयों पर चर्चा करते हुए न सिर्फ सामाजिक
और आर्थिक मुद्दों पर अपनी बात रखी, बल्कि राजनीति में भी राणी समेत पूरे कायस्थ समाज के लोगों को बढ़ चढ़कर भागीदारी करने की बात के मुद्दे को मजबूती से उठाया। साथ ही समाज के सशक्तिकरण के लिए एकजुट होकर कार्य करने पर बल दिया गया। कार्यक्रम को सभी मंचासीन अतिथियों के अलावा कई लोगों ने संबोधित किया। मौके पर अनिल घोष, कनिका दत्ता, शशांक घोष, मुकेश सिन्हा समेत काफी संख्या में राणी समाज के लोग मौजूद रहे। धाम में गांधी जयंती को लेकर रविवार को नगर परिषद की ओर से स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान अजगैबीनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी, नगर परिषद के सभापति राजकुमार गुड्डू, नगर उप सभापति नीलम देवी सहित नगर परिषद क्षेत्र के सभी वार्ड पार्षदों ने साफ सफाई अभियान के तहत नमामि गंगे घाट पर साफ सफाई की। वहीं नगर सभापति राजकुमार गुड्डू ने लोगों को स्वच्छ भारत का संदेश देते हुए कहा कि नगर परिषद की सभी जनता अपने अपने घरों एवं आस पास की जगहों पर साफ सफाई का ध्यान रखे, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने के साथ गांधी जयंती पर महात्मा गांधी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि डेंगू बीमारी महामारी की तरह पूरे बिहार में फैल रही है और इसे बचने के लिए साफ सफाई रखना अति आवश्यक है। मौके पर वार्ड पार्षद संजय चौधरी, नवीन कुमार बन्नी, रूबी देवी, रानी देवी समेत कई पार्षद और नगर परिषद के कर्मचारी मौजूद रहे। थांगटा फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा श्रीनगर के मल्टीपर्पज इंडोर स्पोर्ट्स हॉल पोलो ग्राउंड में 2 से 5 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली 29वीं जूनियर राष्ट्रीय थांगटा प्रतियोगिता को लेकर बिहार थांगटा टीम का दल गरीब रथ एक्सप्रेस से रवाना हो गया। इसको लेकर बिहार थांगटा एसोसिएशन के महासचिव विकास कुमार झा ने बताया कि श्रीनगर में 4 दिवसीय जूनियर राष्ट्रीय थांगटा प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए 23 खिलाड़ियों का दल, 2 कोच और 1 टीम मैनेजर रवाना हो गए हैं। उन्होंने बताया कि इन सभी खिलाड़ियों का चयन 2 और 3 सितंबर को लखीसराय खेल भवन इंडोर स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय थांगटा प्रतियोगिता के अच्छे प्रदर्शन के आधार पर हुआ था। उन्होंने बताया कि टीम में बिहार के अलग अलग जगहों और स्कूलों के खिलाड़ी शामिल हैं, जबकि कोच विकास कुमार झा और संतोष कुमार को कोच एवं मोहम्मद अस्पाक अहमद को टीम मैनेजर की जिम्मेदारी दी गई है। बांका के धोरैया प्रखंड परिसर में जदयू कार्यकर्ताओं के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर परिचर्चा विधानसभा सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व धोरैया विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी मनीष कुमार ने किया। वहीं कर्पूरी ठाकुर परिचर्चा कार्यक्रम में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी, लघु सिंचाई मंत्री जयंत राज, राज्यसभा के पूर्व सांसद कर्कश्याप परवीन, विधान पार्षद ललन सराफ, बांका सांसद गिरधारी यादव और भागलपुर सांसद अजय मंडल के अलावा बेलहर विधायक मनोज यादव समेत कई जदयू के नेता ने अपनी बात रखी। कार्यक्रम का संचालन बांका जदयू के जिला अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार और जदयू प्रखंड अध्यक्ष गोपाल प्रसाद दास ने की। इस दौरान अतिथियों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के कार्यों की सराहना करते हुए उनके विचारों पर चलने का संकल्प लेकर आगे बढ़ने की बात कही। साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर देश में महंगाई और भ्रष्टाचार के साथ मतदाताओं के साथ झूठे वादे करने का आरोप लगाया। जदयू नेताओं ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार में INDIA महागठबंधन की सरकार बनेगी। साथ ही कहा कि बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के साथ भाजपा सरकार दुर्व्यवहार करते हुए आरक्षण एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मिटाने की कोशिश सरकार कर रही है। सम्मेलन में काफी संख्या में प्रदेश जदयू के साथ जिला प्रखंड के जदयू नेता और काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।